इस वक्त मुश्किलें हजार हैं, लेकिन इस दौर में हौसले की भी कमी नहीं। कोई जरूरतमंद मरीजों को खाना खिला रहा है तो कोई धर्म की दीवार तोड़कर मदद कर रहा है। आखिर इन्हीं कोशिशों से तो हारेगा कोरोना। देखिए टॉप 9 हारेगा कोरोना। कानपुर पुलिस ने पुलिस लाइन में ऑक्सीजन बैंक बनाया है। ऑक्सीजन बैंक बनाने के साथ नारा दिया है, चलो एक जान बचाएं, सिलेंडर दान करें या कुछ समय के लिए दें। मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंदों को इस बैंक में निशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा। कानपुर में ऐसे हालात है कि जरूरतमंदों को खाली ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिल रहे। ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ रही है। गाजियाबाद के रेस्टोरेंट संचालक ने कोरोना पीड़ितों को मुफ्त में खाना देने की व्यवस्था की है। लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट आम लोगों के लिए बंद है, लेकिन इसके मालिक और स्टाफ इस पूरे दौर में कोरोना मरीजों की सेवा में लगे हैं। शालीमार गार्डन स्थित रेस्टोरेंट से आसपास के इलाकों में रहने वाले करीब 200 कोविड मरीजों के घर मुफ्त फूड रोज पहुँचाया जा रहा है। वाराणसी में DRDO का 750 बेड का हॉस्पिटल एक सप्ताह में मरीजों को अपनी सेवाएं देने लगेगा। अस्पताल का 90% काम हो चुका है। DRDO की टीम ने 20 अप्रैल से इस अस्पताल को बनाने का काम शुरू किया था और मात्र 15 दिनों में 750 बेड के इस हॉस्पिटल का काम लगभग पूरा होने को है। अस्पताल में 250 बेड के 3 ब्लॉक बनाए गए हैं। इनमें सबसे पहले 250 बेड का ICU वार्ड तैयार किया जा रहा है। इस वार्ड में वेंटिलेटर की भी सुविधा होगी। भारत में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। ये अनुमति दवा बनाने वाली कंपनी रॉश इंडिया को मिली है। अमेरिका और यूरोप में पहले से इस कॉकटेल का कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो रहा है। भारत सरकार ने इसके इमरजेंसी यूज की इजाजत दे दी है। एंटीबॉडी कॉकटेल का इस्तेमाल कोविड के हल्के और मध्यम लक्षण वाले मरीजों पर किया जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल हुआ था। अहमदाबाद में रेलवे ने कोरोना मरीजों के लिए 19 आइसोलेशन कोच बनाए हैं। ये कोच कोविड केयर सेंटर की तरह काम करेंगे। रेलवे को इन्हें बनाने में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी सहयोग दिया है। गुजरात में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए इस महामारी से निपटने की एडवांस तैयारी भी की जा रही है। बिहार के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र कुमार ने खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। नरेंद्र कुमार ने अपनी गाड़ी ले जाने के लिए कंटेनमेंट जोन में लगाई गई बांस बल्ले की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। स्थानीय बाजार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद 29 अप्रैल को SP सुशांत कुमार ने पूरे बाजार को सील करवा दिया था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में समाज की संवेदनहीनता की खबर सामने आई है। कोरोना की डर से जब किसी ने भी लावारिस वृद्धा का शव को नहीं छुआ, तब राज्य पुलिस के TI कलीम खान ने हिंदू बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली। कुछ मुस्लिम युवाओं के साथ मिलकर उन्होंने हिंदू रिवाज के साथ बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। TI कलीम खान के मुताबिक, मैं वर्दीधारी हूँ, जात पात के इस बंधन से दूर हूँ और मानवता को मानता हूँ। आयरलैंड से भेजी गई राहत सामग्री भारत पहुंच गई है। आयरलैंड ने एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भेजा है, जिसे दिल्ली के बेस अस्पताल में स्थापित किया जाएगा। ये ऑक्सीजन जनरेटर प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है, जो 50 बेड्स पर 10 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से मिल सकेगा। कोविड की वजह से बड़ी संख्या में लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए अहमदाबाद में कुछ युवकों ने अनूठी पहल की है। अहमदाबाद का ये म्यूजिक ग्रुप लोगों को म्यूजिक थेरेपी दे रहा है। खास बात यह है कि ये काम अस्पतालों में भी किया जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।